मुहर्रम के दिन पूर्व मंत्री राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। मुकदमे को वापस करने की मांग को लेकर अमेठी में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने हजारों कार्यकर्ताओं ने अयोध्या मंडल प्रभारी मुन्ना सिंह की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में उप जिलाधिकारी गोरीगंज को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सरकार गलत तरीके से उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक मुकदमा वापस नहीं होगा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। दस सितंबर को प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मनमानी के कारण अनावश्यक रूप से बड़े महाराज भदरी के ऊपर कुंडा कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका कि कोई मतलब नहीं था, कोई अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए जनसत्ता दल की आवाज़ दबाने के लिए तरीके से किया गया। इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया, पूरे प्रदेश में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और मुकदमा जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। या तो हमारी समस्या जाएगी या तो उत्तर प्रदेश सरकार जाएगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास? नहीं, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम किया गया। 87 वर्षीय वयोवृद्ध महाराज, जिनका कि कभी राजनैतिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं रहा, केवल सामाजिक काम करते रहे और सामाजिक काम करने के विरोध में, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने भंडारा और मुहर्रम दोनों कराया और कुशलता से दोनों निपटता रहा। सबसे बड़े और ये एक तरीके से इसके लिए जनसत्ता दल ने ठाना है कि मतलब यानी ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी मुकदमा वापस होने तक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।